नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग के नियमों में अब बदलाव होने वाला है। खुद ही इसकी रेलवे ने जानकारी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि टिकट प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए उसने समय समय पर कई कदम उठाएं। दरअसल यात्रियों को ऑनलाइन टिकट कटवाने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेल समय समय पर पैसेंजर की सहूलियत के लिए सुविधाएं पेश करता रहता है। इसी क्रम में अब रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली को अपडेट करने में लगा हुआ है। भारतीय रेलवे IRCTC के ऑनलाइन यात्री टिकट बुकिंग प्रणाली को अपडेट करने के लिए काम कर रहा है, जिससे कि यात्रियों को टिकट कटवाने के साथ साथ यात्रा में भी सुविधा हो सके। इसके साथ ही यात्रियों की मांग भी पूरी किया जा सके। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली पर रेलवे की स्थायी समिति की 8वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यों को में साझा की गई थी। रेलवे ने कहा है कि रिजर्वेशन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए उसने समय समय पर कई कदम उठाए हैं। दरअसल यात्रियों को टिकट कटवाने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऑनलाइन टिकट के प्रोसेस को और भी आसान और सुविधाजनक बनाने का काम जारी है। इंडियन रेलवे ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया गया है। इस बात का अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि 2016-17 में प्रति मिनट 15,000 टिकट कटते थे, जबकि साल 2017 और 18 में 18,000 टिकट प्रति मिनट और 2018-19 में प्रति मिनट 20,000 टिकट बन रहे थे। रेलवे ने बताया कि अभी IRCTC की वेबसाइट में प्रति मिनट 25,000 से अधिक टिकट बुक करने की क्षमता है। वहीं अगर अब तक के रिकॉर्ड की बात करें तो 5 मार्च 2020 को एक मिनट में रिकॉर्ड 26,458 टिकट बुक किए गए थे। दरअसल 5 मार्च 2020 को टिकट बुकिंग में उछाल इसलिए देखा गया था क्योंकि उस साल होली से पहले आखिरी मिनट की बेहिसाब बुकिंग के कारण ये रिकॉर्ड बना था।